भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश की हवा जहरीली हो गई है और अब इसका असर आम जीवन पर पड़ने लगा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटों में कई शहरों का AQI 300 के करीब पहुंच गया है तो कुछ शहरों में 200 के पार है। AQI के लगातार बढ़ने से सांसों पर संकट मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो ग्वालियर की हवा काफी खराब हो गई है। यहाँ के सिटी सेंटर इलाके का AQI 345 को पार कर गया है तो वहीं फूलबाग का AQI 319 के करीब है। इंदौर में 208 AQI दर्ज किया गया तो भोपाल में 260, उज्जैन में 203, जबलपुर में 274 और कटनी में 225 दर्ज किया गया। ये स्थिति बता रही है कि MP के हालात कैसे हैं, क्योंकि अब शादियों का सीजन शुरू हो गया, इसके बाद से आतिशबाजियां खूब होने वाली हैं, मतलब अभी और हवा खराब होने वाली है। अब राजधानी भोपाल भी साफ स्वच्छ और सुंदर दिखेगी। दरअसल NGT ने अतिक्रमण के मामले में भोपाल प्रशासन को फटकार लगाई है और ग्रीन बेल्ट एरिया की 692 लोकेशन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्रशासन साफ सफाई में जुट गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द ही शुरू करने के संकेत दे दिए गए हैं। इसके लिए संबंधित SDM की अलग अलग टीम बनाई गई है। शुरुआत में ये टीमें अतिक्रमण करने वालों को पहले नोटिस देंगी, जिसके जरिए ये कहा जाएगा कि आप खुद ही अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो हम हटा देंगे। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक के दौरान ये प्लानिंग कलेक्टर आशीष सिंह ने जाहिर की और इस दौरान DFO आलोक पाठक, नगर निगम कमिश्नर फ्रैंक नोबले, ADM हरेंद्र नारायण समेत वन विभाग, नगर निगम, PWD CPA के अफसर भी मौजूद रहे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को दहलाने की साजिश चल रही है। पिछले दिनों एक कॉल पर धमकी मिली थी, अब एक ईमेल के जरिए धमकी मिली है। इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी एक ईमेल के जरिए गुरुवार को दी गई। बताया गया कि ये धमकी भरा ईमेल भेजने वाले ने ये धमाका टालने के लिए 48 घंटे के अंदर $10 लाख देने की मांग रखी है। ये रकम भी बिटकॉइन में देने को कहा गया है। धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ धमकी देने और फिरौती मांगने की इस मामले में IPC की धारा 385 505(1)(b) के तहत FIR दर्ज की है। तो वही धमकी भरा ईमेल जिस IP एड्रेस का इस्तेमाल कर भेजा गया उसका पता लगा लिया गया है। पुलिस अब भेजने वाले शख्स की पहचान करने में जुट गई है। उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए बाबा महाकाल मंदिर उज्जैन में श्रद्धालुओं और पुजारियों द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई। 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद मजदूर 12 दिन से फंसे हुए हैं। सुरंग को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जा रही मशीनों में तकनीकी दिक्कतों के कारण बचाव अभियान में बाधा आ रही है। उत्तरकाशी में एक सुरंग में फंसे मजदूर को बचाने के लिए प्रार्थना करने के लिए भक्त और पुजारी बाबा महाकाल मंदिर में एकत्र हुए। भस्म आरती के दौरान प्रार्थनाएं की गई, जो हर दिन मंदिर में किए जाने वाले एक विशेष अनुष्ठान है। पूजा अर्चना के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। भस्म आरती के दौरान प्रार्थनाएं की गई, जो हर दिन मंदिर में किए जाने वाला एक विशेष अनुष्ठान है। पूजा अर्चना के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। एक तरफ उत्तरकाशी में मजदूरों के रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ टनल हादसे में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। ऐसा ही कुछ कोरबा में देखने को मिला, जहां निर्माणाधीन टनल में फंसे 40 मजदूरों को सफल तरीके से बाहर निकालने के लिए पूजा पाठ किया गया। मजदूरों की जान सलामत रहे, इसके लिए पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा की कोसाबाड़ी मंडल की इकाई ने कोसाबाड़ी स्थित हनुमान मंदिर में पूजा पाठ कर मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मंदिर परिसर में दीप जलाया और हनुमान जी की आरती की। गौरतलब है कि टनल में मजदूरों को फंसे करीब आज 13वां दिन हो गया है। रेस्क्यू अभियान चलाकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास जारी है, जिसमें रेस्क्यू टीम को काफी हद तक सफलता भी मिल गई है। पाइप के जरिए मजदूरों तक खाना भी पहुंचाया जा रहा है। सभी को उम्मीद है कि लोगों की दुआएं रंग लाएगी और मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। हरिद्वार के जंगल से सटे इलाकों में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। गुरुवार को लक्सर रोड पर मिसरपुर में जंगली हाथियों का झुंड सड़क पार कर रहा था।
कि तभी एक साइकिल सवार भी उधर से गुजर रहा था। हाथी ने साइकिल सवार पर हमले की कोशिश की तो साइकिल सवार का बैलेंस बिगड़ गया और साइकिल से गिर गया और बेहोश हो गया। इस पर वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाकर हाथियों को वहां से भगाया। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नीचे सड़क किनारे भीड़ जुटी है, सभी के सभी एक टक ऊपर निहार रहे हैं। इतने में ऊपर से आवाज आई कि पार्षद को गिरफ्तार करो। ये एक पीड़ित व्यक्ति की मांग है जो अपनी मांग को लेकर एक टावर पर चढ़ गया। ये मामला क्या है पहले ये जानिए। ये तस्वीरें भिलाई की है जहां एक युवक ने नगर थाना क्षेत्र के पार्षद और उसके बेटे पर मारपीट का आरोप लगाया। युवक के मुताबिक उसके साथ पार्षद और उसके बेटे ने मारपीट की। दोनों के खिलाफ थाने में शिकायत की गई। कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित युवक टावर पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश करने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को कार्रवाई करने का आदेश दिया, तब जाकर युवक नीचे उतरा। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों के झुंड ने एक बार फिर लोगों को दहशत में डाल दिया है। अब केंदई रेंज से एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को देखने के बाद ग्रामीण मुसीबत में हैं, सोच में हैं कि अब क्या होगा। दरअसल हाथियों का एक झुंड जिनपुरी भद्रा गांव में नदी पार करते देखा गया। हाथियों के झुंड को देखकर ग्रामीण घरों में दुबक गए हैं। मवेशियों को घर के बाहर से हटाने में जुट गए हैं तो वहीं फसलों के नुकसान पहुंचाने का डर भी सता रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है। स्टेशन पर सन्नाटा है, यात्री परेशान हैं और हो भी क्यों ना, 3 महीने के लिए 48 गाड़ियों को रद्द जो कर दिया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आधुनिकीकरण को लेकर पटरियों पर काम चल रहा है। इस काम को पूरा करने के लिए अगले 3 महीने के लिए 48 ट्रेन को रद्द कर दिया गया। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल के पलवल मथुरा सेक्शन में मथुरा यार्ड के आधुनिकीकरण कार्य के चलते 27 नवंबर से 23 मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 18 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया। इन ट्रेनों के रद्द होने से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर स्टेशन से उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली जाने वाली यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं अब कुल मिलाकर 48 ट्रेन रद्द हो गए हैं। शादियों के सीजन में ट्रेन रद्द होने से लोगों के सामने परेशानियां खड़ी हो गई है। सड़क पर गुंडे बेलगाम हैं, इन्हें ना प्रशासन का खौफ है ना कानून का डर। यही वजह है कि ये दिन दहाड़े मारपीट चाकूबाजी जैसी घटना को अंजाम देते हैं। दुर्ग से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां दिन दहाड़े एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक रॉड और डंडे और चाकू से एक युवक को बेरहमी से पीटते नजर आ रहा है। दुर्ग के उतई चौक पर यह घटना दिन दहाड़े घटित हुई थी, जिससे पुलिस की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी इतने बेखौफ थे कि उन्होंने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसका वीडियो भी बनाकर उसे वायरल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने अब एक्शन लेते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों ने आपसी रंजिश के कारण घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ हत्या का प्रयास धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में तेंदुआ दिखा है। तेंदुए के दिखने के बाद से लोग दहशत में हैं। तेंदुआ शहर से लगे रावण भाठा में देखा गया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें देख सकते हैं तेंदुआ घर की दीवार पर बैठा है। तेंदुए के दिखने के बाद लोग अपने घर में दुबक गए। दहशत में कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी है। वन विभाग तेंदुए की तलाश में जुटा हुआ है, साथ ही लोगों को सावधान करने के लिए कहा है। आपको बताएं कि बीते दिनों सर्किट हाउस के पास तेंदुआ नजर आया है।